आज मैं लाई हूँ बहुत ही हेल्दी और 5 मिनट में बनकर तैयार होने वाली झटपट सी स्नैक्स रेसिपी। इसे आप ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में, अगर शाम के समय कुछ हल्का फुल्का खाना हो और हेल्दी भी चाहिए, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं मिर्ची, लहसुन, नमक, अजवाइन और जीरा। इन सारी चीजों को अब हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। ये रेसिपी जितने सिंपल है खाने में उतने ही स्वादिष्ट। मैंने सारी चीजों को पीस लिया है। और एक बात, ये रेसिपी पसंद आए तो इस रेसिपी को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाउल ले, उसमें मैं रखूंगी 1 कप गेहूं का आटा। आप जितने लोगों के लिए बना रहे हो उसी हिसाब से गेहूं का आटा कम या ज्यादा कर सकते हो। 1 कप गेहूं के आटे में मिक्स करेंगे 1/4 कप सूजी। सूजी आप बारीक मोटा कोई भी ले सकते हो इस रेसिपी के लिए। इसके साथ मैं रखूंगी यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक। मसाले में भी मैंने नमक रखा था, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे नमक एडजस्ट कर लें। और हल्का सा तीखेपन के लिए थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से कलर लाने के लिए थोड़ी सी हल्दी, और इसके साथ स्वाद बढ़ाने के लिए 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हमने जो मसाला बनाया था वो मसाला भी रख दिया है। अब इन सारी चीजों को बिना पानी रखे पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी रखें और इसका बैटर बनाएं। बैटर आपको ना ही ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा, अगर सच कहा जाए तो बिल्कुल डोसे के बैटर की तरह होना चाहिए। जैसे डोसे का बैटर होता है, ना ही ज्यादा पतला होता है ना ही ज्यादा गाढ़ा बनाते हैं हम, क्योंकि गाढ़ा बनाएंगे तो स्प्रेड करने में प्रॉब्लम आती है, और अगर पतला बनाएंगे तो वो अच्छे से नहीं बन पाता। तो बिल्कुल उसी तरह का आपको यहाँ पर बैटर बनाना है, बिल्कुल उसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी रखते जाएं और इसे हिलाते रहें। हमारा बैटर रेडी हो गया है, तो इसे अब हम 5 मिनट तक ढक्कन लगाकर रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। हमने जो इसमें सूजी रखा था वो सूजी अच्छी तरह से फूल के आएगा। बैटर रेस्ट करने के बाद अगर आपको बैटर हल्का सा गाढ़ा लगे, क्योंकि सूजी फूल के आने के बाद कई बार बैटर गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा लगे तो आप थोड़ा सा पानी डालकर उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। हमारे यहाँ पे जो बैटर है वो परफेक्टली रेडी है, और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से घोल बनाकर रेडी कर लिया है। पैन यहाँ पे अच्छे से गर्म हो गया है, और पैन के बीचों बीच इस बैटर को इस तरह से आप बीच में रख दें। आप चाहे तो इसे हल्का सा पतला बनाने के लिए चम्मच के जो पीछे पर जैसे डोसा बनाते हैं वैसा भी कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको हल्का सा मोटा पसंद है तो बस इसे बीच में रख दीजिए, वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा, वैसा भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें कोई भी तेल मैंने नहीं रखा था, तो अब यहाँ पर ऊपर से मैं 1/2 छोटा चम्मच तेल रख रही हूँ। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप इसे ऑयल फ्री भी बना सकते हो। जब ऊपर से ये हल्का सा ड्राई हो जाए तो इसे फ्लिप करें। दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें मीडियम टू हाई फ्लेम पर। और बस हमारी ये झटपट से न्यू स्नैक्स और साथ में हेल्दी भी रेडी हो गई है। तो आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। इसे आप गर्मा गर्म किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो, और ये शरीर के लिए हेल्दी तो है ही, तो इसलिए खाने में भी बेझिझक बिन टेंशन से आप आराम से जितना चाहे उतना खा सकते हैं।